HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज घर के बाहर कहीं न कहीं भिखारी जरूर मिलते होंगे और उन भिखारियों को पब्लिक कुछ न कुछ देती ही रहती हैं। लेकिन क्या कोई भिखारी भीख मांग कर इतने रुपए कमा सकता है कि उन्हें गिनने के लिए उसे लोगों की मदद लेनी पड़े और उसे मदद के एवज में भुगतान भी करना पड़े। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं चीन के एक भिखारी से, जो एक महीने में 1,00,000 रुपए तक कमाता है और ये भिखारी अपने पैसे गिनने के लिए दूसरों को टिप भी देता है। इस तस्वीर में एक बुजुर्ग जमीन पर बैठा दिखाई दे रहा है, उसके पास नोटों का ढेर भी लगा हुआ है। इस शख्स ने भीख मांग कर बीजिंग में 2 मंजिला मकान भी बना लिया है। इसके 3 बच्चे हैं जो शहर के बड़े स्कूल में पढ़ते हैं। परिवार का खर्च इसी शख्स की जिम्मेदारी है। भीख मांग कर यह शख्स महीने भर में भारत की मुद्रा के हिसाब से करीब 1,00,000 रुपए तक जुटा लेता है। जब यह शख्स भीख से जुटाई हुई रकम को डाक खाने में जमा करने जाता है तो उसे नोट गिनने के लिए स्थानीय कर्मचारियों की मदद लेनी पड़ती है और इस काम के लिए कर्मचारियों को ये पैसे भी देता है। नोट गिनने वाले डाक खाने के कर्मचारी को ये शख्स 100 चीनी युआन यानी करीब 900 रुपए बतौर टिप दे देता है। चीन में ऐसा ही एक और भिखारी भी दिखा जो भीख मांगता है और आईफोन इस्तेमाल करता है। इस भिखारी के हाथ में आईफोन देखकर भीख देने वाले भौंचक्के रह गए।